एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आई हूँ। आप चाहे किसी भी लेवल पे चले जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी ये कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जरूरी है इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। तो आज का टॉपिक है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से समझाया होगा, तभी आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा। तो अगर आपको वो कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसको वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए और ये कंसेप्ट इजिली आ जाए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पे आपको वो कंसेप्ट रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे कि माना कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसकी जो नीचे वैल्यू लिखी होती है वो आता है आपका क्या आता है Z, ये आ गया आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और जो उसके ऊपर है जिसका सिंबल होता है A, वो आ गया मास नंबर। अब ये तो आपको पता है ये क्या है, कोई एलिमेंट है। ठीक है, इसी कंसेप्ट के बेस पे ये तीन टर्म्स हैं। ठीक है, कि आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इक्वल किसके है, नंबर ऑफ ए प्रोटॉन, और मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और क्या है, प्लस नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बेस पे ये कंसेप्ट अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट आइसोटोप्स। ठीक है, आइसो मतलब सेम की बात की गई है, अब टोप्स का क्या मतलब। ठीक है, इसमें क्या है, टोप्स मतलब टॉप की वैल्यू की गई, बात की गई है। तो इसमें बोला गया है क्या होगा, सेम एलिमेंट। ठीक है, कोई है सेम एलिमेंट है। ठीक है, उनका क्या है, सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, इट्स मीन ये वैल्यू क्या है, सेम है, एक एलिमेंट है। ठीक है, उसका क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट क्या है, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, इट्स मीन जो ऊपर वाली वैल्यू है वो डिफरेंट है। अब ये कैसे पॉसिबल है, एलिमेंट भी सेम बात की गई है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, जिसको जैसे एटॉमिक नंबर 1, 1, 1, मास नंबर क्या है, 1, 2, 3। इसमें क्या है, A क्या है आपका, एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, और एलिमेंट भी सेम है। ठीक है, बट क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। तो मास नंबर डिफरेंट कैसे आ गया, जब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं तो इसका मास नंबर क्यों सेम आ गया, वो डिफरेंट हुआ न्यूट्रॉन के नंबर से। हमने पढ़ा था कि जैसे कि एलिमेंट है, इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और एक न्यूट्रल चार्ज होता है, उसको प्लस जो होता है वो आता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है, दोनों सेम होते हैं ना, तो ये 1 है, और न्यूट्रॉन क्या आ गया, 1, और इसमें नंबर ऑफ ए प्रोटॉन इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ ए क्या पढ़ रहे थे, न्यूट्रॉन इक्वल टू 2। इसमें तो न्यूट्रॉन नंबर क्या है, न्यूट्रॉन नंबर है इसमें 0 और प्रोटॉन नंबर है 1। ठीक है, तो समझ गए, मास नंबर के हिसाब से इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। एग्जाम्पल और भी कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन 3 है, ठीक है, इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर 12, 13, 14। ठीक है, तो ये इसके बेस पे, जैसे कि ये था नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन के बेस पे, ये डिफरेंट है। इसमें ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि न्यूट्रॉन नंबर निकालो, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, जरूरी नहीं है यही एलिमेंट होगा, कोई और एलिमेंट हो सकता है, और उससे आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, आइसो बार्स। अब आइसो है सेम है, बार्स की बात की गई है, तो क्या बात की होगी, तो इसमें बोला है क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट,
एलिमेंट भी है, तीन पर्सन है, ठीक है, डिफरेंट है. एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, ऑर्गन, क्रिप्टॉन एंड कैल्शियम, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है. क्या है इनका? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है. डिफरेंट मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या है इसकी? डिफरेंट है. क्या क्या है? 19, 20. देखो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो क्या है? सेम मास नंबर. क्या है? सेम मास नंबर. तीन चीजें अच्छे से समझना, ठीक है. मास नंबर क्या आ जाएगा इसका? 40, 40, 40, ठीक है. मास नंबर क्या है इसका? सेम है. डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट सेम मास नंबर, ठीक है. अब क्या है, जैसे ये है 18. 18 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या है इसमें? ऑर्गन के केस में 18, ठीक है. तो मास नंबर क्या है आपका? 40. तो न्यूट्रॉन नंबर निकाल सकते हो ना. कैसे? अभी क्या था हमने? न्यूट्रॉन नंबर निकालने हैं आपको, तो क्या करते हो आप? एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर. 18 माइनस 40, तो क्या आ जाएगा आपका? 22. न्यूट्रॉन पर वेरी करता है, 22 आ गए, ठीक है. अब ये क्या है? इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन. 19, मतलब प्रोटॉन भी इक्वल है, ठीक है. न्यूट्रॉन नंबर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 19 माइनस 40, तो इक्वल आ गया 21, ठीक है. समझ आ गया, कंफ्यूजन दूर हुई, ठीक. नेक्स्ट कैल्शियम, इसमें कितना है? 20. न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालोगे? एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर. कितना आ गया? 20 माइनस 40 इक्वल टू 20. तो ये कैसे वेरी किया? किसके बेस पे? न्यूट्रॉन. ये भी न्यूट्रॉन के बेस पे वेरी करता है, बट क्या है? ये सेम एलिमेंट है, और ये क्या है? डिफरेंट एलिमेंट. याद रखना, दोनों क्या है? सेम क्या है? एटॉमिक नंबर. मतलब इसमें क्या है आपका कि सेम एलिमेंट है, इसमें क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है. बट मास नंबर क्या है? इसमें सेम है और इसका मास नंबर डिफरेंट है. कई बार आपको इसके दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आइसोटोन्स. अब ये क्या कंसेप्ट है? देखो डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है. एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं ना हम सारी चीजें. डिफरेंट एलिमेंट है कौन कौन से देखते हैं. पहले आ गया आपका सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है. इनमें क्या है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर. इसमें क्या है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है. क्या क्या है? 14, 15, 16, ठीक है. और क्या है इसका? डिफरेंट ही क्या है? मास नंबर भी डिफरेंट है. डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, ठीक है, डिफरेंट मास नंबर है. तब क्या सेम बचा इसमें? इसमें सेम बचा आपका, जैसे कि हम लिख देते हैं अभी, 30, 31, 32. मास नंबर डिफरेंट आ गया, बट क्या है इसमें? अब इन दोनों केसेस में क्या है? न्यूट्रॉन डिफरेंट है, बट इस टोन्स मतलब अलग ही टोन में चला, अलग ही धुन में चला, बोलते हैं ना, तो वैसे ही आ गया. ये क्या है? अलग धुन में चला हुआ है. तो ये क्या आ गया? सेम न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है. अब कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है ना ये सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर. तो क्या आ गया? देखो इसमें क्या है, हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? आपके मास नंबर ऑफ ए प्रोटॉन. तो इसमें कितना है? 14. इसके केस में कितना है? 15. इसके केस में है 16. तो आप न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर. एटॉमिक नंबर 14 माइनस 30, तो क्या आ जाएगा आपका? 16. और क्या आ जाएगा इसमें माइनस करो? 15 माइनस 30 इक्वल टू 16, ठीक है. 16 माइनस 32 आ गया 16, ठीक है. क्या है? कंफ्यूजन दूर हुई कि ये क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है. ये क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एलिमेंट भी है, ठीक है. तो नोट डाउन कर लीजिए. पहले
इस कंसेप्ट को, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बहुत अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड कर लीजिए, तभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। आई थिंक अगर आपको क्लियर नहीं है और एग्जांपल करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है कि कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या है, डिफरेंस है, कुछ है, तो आप वो कंसेप्ट भी आप मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप उस कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you, students.